सचिव शिवशंकर मेनन, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पंजाब के पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो, ट्राई के पूर्व चेयरमैन राजीव खुल्लर, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार, अलग अलग कालखंड में भारत के प्रशासन को प्रभावित करने वाले इन दिग्गज नौकरशाहों में समान बात क्या है? वो समान बात ये है कि इन्हें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर शक है। देश के 66 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारत के आम चुनाव की विश्वसनीयता को चुनाव आयोग ने ताक पर रख दिया है। सत्तारूढ़ दल और केंद्र सरकार अपने रुतबे का दुरुपयोग मनमाने ढंग से करते हुए आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके ऐसे मनमाने कामकाज से साफ है कि चुनाव आयोग के प्रति भी उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। नौकरशाहों ने अपनी दलील में सीधे सीधे पीएम मोदी पर उंगली उठाई। उन्हें प्रधानमंत्री की नीयत पर शक है। वो कहते हैं कि एसेट के परीक्षण पर राष्ट्रपति के नाम संदेश, नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म की रिलीज और मोदी पर बनी वेब सीरीज का प्रसारण, ये सब चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अफसरों ने राष्ट्रपति को लिखे चिट्ठी में कहा है कि चुनाव आयोग से की गई शिकायतों का कोई मतलब नहीं रह गया है। नेता खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती। इस बयान को 5 दिन बीत चुके हैं। आयोग नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन बीजेपी ने उस नोटिस को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया है। योगी जी ने जो